फेस्टिवल में कोई भी प्लेन सा चीज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना तो बिना पैसा खर्चा किए चलिए बनाते हैं डिजाइनर कुशन कवर आपके पास कोई भी प्लेन सा कुशन कवर है आप ई वाला डीआईवाई जरूर ट्राई कीजिएगा डिजाइनर पीस तो आप ऐसे ही बना दोगे तो ए जिससे मैंने छोड़ा है वन सेंटीमीटर एंड फिट से फाइव सेंटीमीटर छोड़ के मैं स्क्वायर शेप्स ड्रॉ कर चुकी हूँ एंड अभी मैं करूंगी कलर फिल कलर फिल करने से पहले आप इक्वल सेगमेंट्स में उसे डिवाइड कर दीजिए अभी कलर करने से पहले ये मैंडेटरी स्टेप है कि आप जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर न्यूज़पेपर या फिर कुछ भी हार्ड सीट लगा लीजिए ताकि कलर दूसरे तरफ ना लगे तो कलर फिल करने के लिए आप एक्रिलिक कलर एज एज फैब्रिक कलर जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हो एंड हाँ कलर तो आप अप अपने हिसाब से ही फिल कीजिएगा क्योंकि आपके थीम के हिसाब से आपके घर के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो भी जाएगा आप पुट कर लीजिएगा यहाँ पर डिजाइन एंड कलर कॉम्बिनेशन में बिल्कुल ट्रेडिशनल रखी हूँ क्योंकि फेस्टिवल के टाइम ट्रेडिशनल चीज जितना सुंदर लगता है और किसी टाइम पे भी लगता नहीं और मेरे घर को तो मैं हमेशा ट्रेडिशनल स्टाइल पे ही डेकोरेट करती हूँ सो इसीलिए मैं तो डेकोरेट कर रही हूँ क्योंकि ट्रेडिशनल स्टाइल एक ऐसे स्टाइल है जिसका जमाना कभी जाएगा ही नहीं मतलब कभी अपडेटेड होने वाला है नहीं तो आप भी अगर मेरे तरह ट्रेडिशनल स्टाइल की दीवानी हो तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत सिंपल है मतलब अगर आप करोगे तो बहुत सिंपल सिंपल पैटर्न बस कलरफुल करते जाइए एंड वंस कलर ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप ये आउटलाइंस डालिएगा क्योंकि अगर थोड़ा बहुत गीला होगा तो मर्ज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है तो ब्लैक कलर के साथ मैंने आउटलाइंस कंप्लीट कर दी हाँ जब भी आप आउटलाइंस वाला काम कर रहे हो तो आप जीरो नंबर ब्रश ही यूज कीजिए मैक्स टू तो मैक्स आप वन नंबर ब्रश यूज कर सकते हो ओके okay, अभी ब्लैक कलर वाला आउटलाइंस तो खत्म है बाकी अभी हम येलो कलर एंड व्हाइट कलर ये सारे कलर्स यूज करके ये जो सेगमेंट्स है ना इसे डिस्टिंग्विश करेंगे अभी इसके अंदर डिजाइन बहुत ही सिंपल सा मैं पुट करूंगी इसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ थ्री डी आउटलाइनर्स अगर आपके पास अभी के लिए थ्री डी आउटलाइनर्स नहीं है देन कोई बात नहीं आप इसके जगह ना व्हाइट एक कलर जीरो नंबर ब्रश यूज कर सकते हो अभी हम यहाँ पुट करेंगे ढेर सारे मिरर पीसेस इतना मिरर हम पुट करेंगे कि चमक ही आ जाए बस एक ही कुशन कवर आप सोफे के ऊपर रख दो एंड उसका लुक बहुत ही सुंदर आएगा एंड हाँ मिरर्स को स्टिक करने के लिए आप याद से फैब्रिक ग्लू ही यूज कीजिएगा एंड उसके बाद देखिए इसका मिरर वाला इफेक्ट बहुत सुंदर है ना इसको थोड़ा बहुत और ज्यादा डेकोरेट करने के लिए एंड गुजराती कच लुक देने के लिए मैं यहाँ इसके चारों तरफ को भी कलर कर रही हूँ आपके पास एक्रिली कलर है तो भी आप ये वाला डिजाइन कर सकते हो जो भी कलर मेरे पास थ्री डी में नहीं था मैं यहाँ एक्रिलिक कलर के साथ ही आर्ट कर रही हूँ अभी बारी है हम कलर को बिल्कुल ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे थ्री डी आउटलाइनर्स ड्राई होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है तो आप ध्यान से ही काम कीजिएगा ओके अभी चलिए दिखाती इसका फाइनल लुक एंड मिरर वाला इफेक्ट जो देखना आपको सबसे ज्यादा पसंद है एंड इसका मिरर इफेक्ट आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा एंड पक्का बताइएगा मैं आपके कमेंट के इंतजार कर रही हूँ आप जरूर बताना मुझे एंड पेपर निकाल के क्वेश्चन फिल करने के बाद ये रहा इसका फाइनल लुक पूरे सोफे में हमें तो बहुत सारे डिजाइनर्स वाला क्वेश्चन पर चाहिए ही नहीं एक क्वेश्चन कवर डिजाइनर वाला हो तो ही काफी है तो आप भी अपने फेस्टिवल के लिए इसे जरूर बनाइएगा बनने वाला है तो जरूर ट्राई कीजिएगा और कैसा बना मुझे जरूर बताइएगा दिवाली को बस कुछ ही दिन बाकी है आपको कैसा वीडियो लास्ट मोमेंट पे चाहिए मुझे जरूर बताना मैं इस वीक ही लेके आऊंगी तो अभी के लिए टेक केयर एंड अभी गुड डे